नमस्कार न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा शेंडे। आइए नजर डालते हैं इंदौर की खबरों पर फटाफट नजर। सईदना साहब की आवाज में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इंदौर आएंगे। वे एयरपोर्ट से कालरी नगर बड़ा गणपति गुलजार कॉलोनी चौराहा होते हुए सैफी मस्जिद पहुँचेंगे। खजराना गणेश मंदिर में 10 दिनी गणेश चतुर्थी महोत्सव गुरुवार सुबह 10 बजे ध्वजा पूजन एवं शुभ लाभ सहित सभी देवताओं को स्वर्ण मुकुट तथा मोतियों का चोला समर्पित करने के साथ शुरू हुआ। भक्त मंडल द्वारा गणेश जी को 125,000 मोदक भी समर्पित किए गए। हरतालिका तीज पर शहर से हजारों स्त्रियां सज धज कर राजबाड़ा पहुंची और रात भर शिव आराधना की। मंच से भजनों की प्रस्तुति पर रात भर महिलाएं थिरकती रही। यातायात में बाधक बन रही प्रतिमाओं को नगर निगम ने अन्य स्थानों पर शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार सुबह राज मोहल्ला चौराहे पर स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को निगम ने जेसीबी मशीन की मदद से शिफ्ट कराया। सफाई में नंबर 1 इंदौर शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या 154 पर पहुंच गई है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त रिपोर्ट में 4 नए मरीजों में डेंगू की पुष्टि की गई है। वहीं N1H1 की जांच के लिए भेजे गए 11 सैंपलों की रिपोर्ट नकारात्मक आई है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। युवती ने युवक से सगाई के लिए मना किया तो युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की और उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बच्चों से भरी बेकाबू स्कूल बस की टक्कर से प्लांटून कमांडर की मौत हो गई। हादसे में एक बच्चा भी घायल हुआ है। ड्राइवर बच्चों से बात करते हुए बस चला रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंदौर यात्रा के पहले आतंकी हमले की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। एजेंसियों को खबर मिली है कि आतंकी महिला के वेश में पीएम के आयोजन में घुस सकते हैं। हत्याओं को अंजाम देने वाले मध्य प्रदेश के सीरियल किलर जिन्होंने 33 हत्याओं को अंजाम दिया है, आदेश कामरा ने पुलिस के सामने बेहद भावुक बयान देकर सबको हैरान कर दिया है। उसने बताया है कि उसे अपने पिता से कभी प्यार नहीं मिला, इसलिए वह ऐसा बन गया। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर कन्नौद क्षेत्र में बुधवार को सड़क हादसे में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। मालजीपुरा के पास एक यात्री बस और डंपर में भीषण टक्कर के बाद बस सवार ज्यादातर यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल से भर्ती करवाया गया। अभी की खास खबरों में बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।